अस्सलाम वालेकुम फटीज, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज भी ठीक होंगे। अच्छा भाई, सीन ये था कि रॉयल जैस्मिन हम पहुँचे हैं लकी वन में, तो उसका एड्रेस समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ के रिव्यूज़ मैंने बहुत सारे सुने थे, कुछ रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, कुछ रिव्यूज़ बहुत बुरे थे। तो यही चीज़ जज करने के लिए और यही चीज़ जानने के लिए कि क्या रॉयल जैस्मिन का खाना अच्छा है या कैसा है, यहाँ का बुफेट सिस्टम है, 1899 पर हेड है और डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। अच्छा, इनका हाई टी का भी सीन है, लेकिन हम हाई टी में नहीं आए, हमने बोला भाई डिनर करना है तो डिनर करने चलते हैं। अच्छा, इनका खाना भी मैं आपको खा के बताता हूँ, टेस्ट क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी क्या चीज़ है। क्वांटिटी का तो हमारे पास सीन ही नहीं है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ों के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि वाकई ही एक्चुअली इनका रिव्यू और जो इनका एक्चुअल फूड है उसका क्या सीन है भाई। तो अब चलते हैं कुछ खाने की तरफ और आपको खाने के रिव्यू दिखाते हैं, सीन क्या चल रहा है आज। अच्छा, ये डिज़र्ट्स आ गए, ये खीर आ गई, कस्टर्ड, ये जेली वगैरह है, ये कस्टर्ड है, ये कस्टर्ड, ये जेली आ गए, ये मैंगो आइसक्रीम है और ये पेस्ट्रीज वगैरह रखी हुई यहाँ पर, और ये गुलाब जामुन हमारी ईद की जो होती है ना रसम, ये भाई चॉकलेट फज है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर ये कुछ स्वीट रखा हुआ है। अच्छा, तो स्टार्टिंग हमने कर ली है भाई, और स्टार्टिंग के अंदर मैंने ये सूप लेकर आया हूँ, मैं एक हॉट एंड सॉर सूप है और ताकि नॉर्मल सूप जो हम पीते हैं वो ये वाइट वाला। अच्छा, ये पहले वाइट ट्राई करता हूँ मैं, क्या कह रहा है। अब मैं आ रहा हूँ हॉट एंड सॉर पे, धुआं चेक कर रहे होंगे भाई, अब मतलब फुल धुआं धाड़ हो रहा है ये, तो कह रहे ना जबान ना जल जाए, अभी बहुत सारा खाना है मुझे। रियली हॉट एंड सॉर भाई, खाने के लिए ले लें। और स्टार्टर तो हमने ले लिया सूप का, ये प्राउन्स आ गए, या प्राउन्स का साइज चेक करें हम, बेहतरीन साइज हो रहा है, फुलना ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़े से ही लेंगे बस हम। फ्राइज ले रहे हैं भाई, देखिए अभी तक स्टार्टर ही चल रहा है हमारा ना, ये पेम्बुरा प्राउन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी स्टार्टर में होती हैं यार, ये आग भी नहीं रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारा चिकन बारबेक्यू, इसके कुछ पीसेस लेते हैं हम। अच्छा, तो भाई आपको भाई टेम्बुरा प्राउन्स ट्राई करने जा रहा है, देखते हैं कैसा है। यार कुछ मिसिंग लग रहा है सॉस, मैं सॉस लेके आ रहा हूँ, बैठो तुम। फाइनली मैं सॉसेज ले आया हूँ। आहा, मैं ये सोच रहा था यार क्या चीज़ की कमी आ रही है सॉसेज। एक ये सॉस है, पहले ही देखता हूँ। अब आए ना मज़ा भाई, एक ये सॉस है, अब बड़ा बेहतरीन सॉस है वाला। अच्छा यार, ये भुटियाँ मैं खाता हूँ, देखता हूँ कैसे हैं, और चेक कर रहे हैं अब इनको कैसे लग रही हैं जमी से। मज़ेदार, ये अपने बचपन वाले चिप्स, वाह। अभी मैं ले रहा हूँ चिकन हांडी,
तो चिकन हांडी आपने लेनी है हसबे जायका, क्योंकि ये बहुत हैवी कर देती है, ठीक है ना। उसके बाद है बीफ, और ये है बीफ कढ़ाई, तो बीफ कढ़ाई भी ज़्यादा नहीं लेनी। प्रोटीन ऑलमोस्ट हमने 100 कैलोरीज और ले ली है, और अच्छा खासा प्रोटीन ले लिया है, तो ये मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ये रे सब्जी है कोई, खाते हो तुम राइट नाउ? अच्छा तो भाई खाता हूँ और बताता हूँ टेस्ट कैसा है। पूरी के साथ ट्राई करूँ, नान थोड़ी देर में लेकर आऊँगा, पहले पूरी। मतलब कुछ तो डिफरेंट होना यार, हर चीज़ एक ही खानी है, बस देखनी है आप लोगों ने। ये आ गई वाइट हांडी, अमेजिंग टेस्ट। बीफ पे आ रहा हूँ, अच्छे यार बेहतरीन बना हो बीफ का, मतलब बीफ का ही टेस्ट आ रहा है भाई। पता है क्या है, छोले की सब्जी, ये बांडिया को तो मिली नहीं थी बेचारे को, तो मुझे मिल गई। लेकिन मैं घर में सब्जी नहीं खाता, यहाँ खा रहा हूँ। हमें दिखने में बहुत अच्छी लग रही है सब्जी ना, इसलिए मैंने बोला ट्राई करना ज़रूरी है। मटर, ओ वाओ यार, लिटरली बड़े मज़े की हो रही है ये। अच्छा भाई ये मैं चाउमीन निकाल लूँ अपने से, और ये हमने थोड़े से फ्राइड राइस ले लिए हसबे जायका, और हसबे जायका के बाद ये इनके तो ना डिफरेंट, ये शेजवान है, शेजवान चिकन है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, आई डोंट नो कैसा हो, तो मैं इसको जस्ट यहाँ डाल देता हूँ टेस्ट करने के लिए। फिश कुछ हॉट एंड सॉल्ट टाइप का बना हुआ है, ठीक है ना। टेस्ट की बात की जाए तो जस्ट सो सो, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा भाई, ऑनेस्ट सीधी बात है। अच्छा ये ट्राई करो, ये अच्छा लगता है, ये शेजवान था एक। क्या मजेगा ये फिश हॉट एंड सॉल्ट, हॉट एंड सॉर्ट फिश देखो। कमी पूरी हो गई, थोड़ी सी तो बाकी थी ना, पूरी हो गई। चले भाई टूट पड़ते हैं चिकन बिरयानी की तरफ, यार बिरयानी क्लास है नो डाउट। अच्छा तो भाई ये कस्टर्ड ले रहे हैं हम थोड़ा सा, मैंने बड़ी प्लेट ले ली है ताकि मैं सब कुछ एक में निकाल लूँ भाई, ठीक है। और ये कुछ जेलीज हैं, कस्टर्ड के ऊपर ही डालूंगा यार मैं। चलें भाई देखते हैं डिजर्ट्स क्या क्या हाल है। ओहो यार ये यम्मी हो रहा है भाई, बहुत यम्मी है ये कस्टर्ड है। अब हिम्मत नहीं है बोलने की, बेहतरीन। अच्छा तो भाई आइसक्रीम ले रहा हूँ, अब ओह मैंगो बेस्ट आइसक्रीम है यार। अच्छा तो आपको मैं बताना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। पर्सनली मैं आपको ये बात बताऊँ कि यार नो डाउट मुझे तो तकरीबन चीज़ अच्छी लगी, कोई एक चीज़ ऐसी थी जो कि मुझे नहीं पसंद पर्सनली, तो इसलिए शायद मुझे नहीं आई पसंद। अदरवाइज अगर बात की जाए इनकी सर्विस की, तो बेहतरीन सर्विस थी, हाइजीनिक फूड लगा मुझे तो सारा। और इसके अलावा अगर ऑल ओवर बात की जाए ना, तो यार देखें मैं जितने बैड रिव्यूज सुनकर यहाँ पर आया था, लोगों ने बोला था कि यार बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसी सर्विस है, इनकी डिशेज खाली पड़ी रहती हैं। मैं टू भी ऑनेस्ट मतलब मैं चौथी बार ये बात कह सकता हूँ कि मैं वाकई ही ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपको,
कि वाकई ही बहुत अच्छा है हर चीज़, ईट एंड एवरीथिंग। तो यार मेरे कहने पर ना लाजमी विजिट करें यहाँ पर, और विजिट करके अगर आपको वाकई लगता है कि सर्विस ऐसी है, कोई आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे डीएम करें, मैं यहाँ के डायरेक्ट ऑनर से बात करूँगा। अभी मेरी ऑनर से बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा है कि आप भाई फ्री हैंड हैं, सबको फ्री हैंड हैं, अगर कोई इशू होता है मैं बैठा हूँ यहाँ पर। तो यार आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, मेरी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है ना अभी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।